हमारे दरबार में इस किस्म की गुस्ताखी, नौजवान तुझे इसकी सजा मिलेगी। तू के नावाकफे आदाब गुलामी है, अभी रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है। बात हो गई है मेरी ऊपर, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। फेंक ना पता, फेंक, तेरी बारी है ना, चल आएगा 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 आएगा, आएगा जरूर आएगा आएगा। बात हो गई मेरी ऊपर, बात हो गई मेरी ऊपर। हंसता रहेगा तू सारी जिंदगी, हंसता रहेगा तू। बात हो गई मेरी ऊपर, बात हो गई है मेरी ऊपर। तबला बजाता रहेगा तू सारी जिंदगी, तबला बजाता रहेगा तू। बात हो गई मेरी ऊपर, बात हो गई मेरी ऊपर। लिखता रहेगा तू सारी जिंदगी, लिखता रहेगा तू। बात हो गई मेरी ऊपर, बात हो गई मेरी ऊपर। सर्वर, तुझे सर्वर की तलाश है तलाश कुनिंदे, बेकार दरिंदे। तुम सर्वर को जानते हो? अच्छी तरह से। उससे मिले हो? हर रोज, हर वक्त, हर लम्हा मेरा उसका साथ रहता है। कहाँ है वो? यहां भी है, वहां भी था, उधर भी है। मैं 11 साल से इस अस्पताल में हूं और हर एक को जानता हूं। कभी मुझे उस अस्पताल में भेज देते हैं, कभी मुझे वापस बुला लेते हैं। मैं उधर के अस्पताल का भी हूं, लेकिन मेरा वहां दिल नहीं लगता। वो सर्वर का अस्पताल है। सर्वर बीमार है? वो तो शुरू से बीमार था, अब भी है, आइंदा भी रहेगा। और जब सारी दुनिया से हर किस्म की बीमारी खत्म हो जाएगी, तब भी बीमार रहेगा। लेकिन वो है कहां? मैं तो उसे उस वक्त से जानता हूं जब वो आर्मेनिया के कस्बे में पैदा हुआ था, और उसके मां बाप, उसके अजीजो अकारब, उसके कस्बे के लोग और मुल्क आर्मेनिया के बाशिंदे उसे ईसाई समझते थे, लेकिन वो ईसाई नहीं था, यहूद था, यहूद। आप किस सर्वर की बात कर रहे हैं? वही सर्वर जिसकी तुम्हें तलाश है, लोगों को तलाश है, खताकारों को तलाश है, लेकिन वो मेरे साथ है, मेरे पास है। सर्वर, सर्वर, आप किसको बुला रहे हैं? तुम्हारे महबूब को बुला रहा हूं, कदमों को बढ़ा रहा हूं, आंखों को दिखा रहा हूं, रास्ता बता रहा हूं। सर्वर, सर्वर, तुम्हें मालूम है जब उसने इस्लाम कबूल किया तो क्या नाम रखा? किसी को मालूम नहीं, किसी को पता नहीं, लेकिन मैं जानता हूं। सर्वर, सर्वर, तारीख की गलियों में सारे दरवाजों पर मकीनों के नाम लिखे हैं, लेकिन सर्वर का नाम कहीं भी नहीं। मैं उस सर्वर की बात नहीं कर रहा। वो इल्म फजल में दर्जा कमाल रखता था, अरबी जबान पे उसे पूरा अबूर हासिल था। अरे मैं उस सर्वर की बात नहीं कर रहा। वो जब तिजारत की गर्ज से शाहजहां ईरान से हिंदुस्तान आया तो ठट्ठा में कयाम पजीर हुआ। ठट्ठा में उसका घर हमारे घर के ऐन सामने था, गंगा मंदिर के मोहल्ले में। मैं उसके दरवाजे पर पहुंचकर आवाज देता, सर्वर, सर्वर। भाई मैं उस सर्वर की बात नहीं कर रहा। मैं उसी की बात कर रहा हूं, सर्वर की बात, जो दिल्ली में कत्ल हुआ। अब जामे मस्जिद दिल्ली के करीब उनका मजार ज़ियारत आम व खास है। मैं आवाज देता हूं तो मेरे पास आ जाता है। सर्वर, सर्वर। उफ, अच्छा बाबा, बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत मेहरबानी। अब मुलाकात हो तो मेरा सलाम अर्ज कर दीजिए। मुलाकात कैसे होगी भाई? वो तो अभी सोया हुआ है, गहरी नींद, ख्वाबे गरामे। वो जब असीर जलाल ने तलवार उठाई ना, तो सर्वर ने ये शेर पढ़कर गर्दन तलवार के नीचे रख दी। शोरे शुदस ख्वाबे अदम, चश्मे किश्रम, दीदियम के बाकिस शबे फितना गनुदियम। अफसर, कमाल करते हैं आप भी, सारे अस्पताल में ढूंढ के आई हूं मैं आपको। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? मैं इन साहब ने बुलाया, मैं चलाया। यहाँ आ कैसे गए इतनी दूर?
पता नहीं इन्होंने कहा कि इनकी बात हो गई है और सर्वर मिल जाएगा। मेरी बात ऊपर हो गई, वो जरूर मिल जाएगा, मिल जाएगा। अफसर आप मेरे साथ चलिए। अच्छा अच्छा, इजाजत है? अरे साहब जरूर इजाजत है, चलिए आगे से हटो भाई, आगे से हटो, सवारी आ रही है। चलिए साहब चलिए चलिए। तुम्हारा बंदोबस्त कर दिया। आप खामोश क्यों हो गए? मैं ये सब कुछ इसलिए नहीं पूछ रही कि मुझे आपकी जात में उतरने का शौक है, बल्कि मैं अपने थीसिस की खातिर ये जानना चाहती हूँ कि आपको सर्वर का ख्याल कैसे आया? सर्वर कोई ख्याल नहीं प्यारी बेटी, वो एक जीता जागता इंसान है, कोई तस्वर या हेवला नहीं, वो एक सेहतमंद जिंदा खूबसूरत नौजवान है। क्या आप उससे मिल चुके? मैं उससे मिला ही नहीं बल्कि मेरी उसकी तफसीली गुफ्तगु भी हो चुकी है। सिर्फ एक मर्तबा? सिर्फ एक मर्तबा। फिर आपने उससे मिलने की कोशिश क्यों ना की दोबारा? वो मिला ही नहीं, उसने मुनासिब ही नहीं समझा। पहली मर्तबा वो आपसे कब, किस लिए और कहां मिला था? पहली मर्तबा वो मेरे दफ्तर आया। Okay, take this down. Yes, sir. This letter will be for Mr. Jones. So you can say, dear Mr. Jones, it has come to my attention that you have not paid the invoices due to a complaint about some colors. My supervisors are looking into this item and they're going to report to me. Once they report to me, I will try and get back to you with the details. The differences were so that we can resolve the issues. May I come in, sir? Yes. Once I have all the details, I will contact you. In the meantime, please wait for my response. Yes, how can I help you? Sir, Afzal sahab se milna tha. Kya koi important kaam hai? Ji. Okay, Miss Meena, zara dekhna Afzal sahab kya kar rahe hai. Ji, yes sir. अच्छा तो आप ये शहर में क्या करते हो? सर एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर जॉब। सर मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है कंप्यूटर साइंस में। Mr. Afzal will see him now. Okay, you can go and see Mr. Afzal. Thank you.
Okay, Meena, let's review the letter from the beginning. Yes. Media. शुक्रिया सर. फरमाइए. मेरी आपके दोस्त नासिर साहब ने रहनुमाई की है कि मैं आपसे मिलूं और साथ ये खत दिया है. किस सिलसिले में रहनुमाई की है? वो सर आपके यहाँ एक पोस्ट है AGM की और उस पर कोई बंदा भी आकर लगा नहीं अभी. सर मैं समझता हूँ मेरे से ज्यादा मौजू और कोई शख्स उस पोस्ट के लिए हो ही नहीं सकता. इस वहम में आपको किसने मुब्तला कर दिया? किसी ने भी नहीं सर, इस खुद फरेबी में मैं खुद ही मुब्तला हूँ. शायद अपनी क्वालिफिकेशन की वजह से या शायद अपनी हिमाकत की वजह से. तुम्हें इस पोस्ट का इल्म कैसे हुआ? मेरे अबू के दोस्त हैं सलमान साहब सर, उनके दोस्त हैं, उनका मैं नाम नहीं जानता, उनके बहनोई ने बताया. थैंक यू, अब तुम जा सकते हो. ये नासिर साहब की चिट्ठी सर. ये चिट्ठी भी अपने साथ ले जा सकते हो. लेकिन सर मैं तो इंटरव्यू के लिए हाजिर हुआ था. मुझे तुम्हारे जैसे मुलाजमों की जरूरत नहीं है. थैंक यू. आप मुझे मुलाजमत ना दें सर, लेकिन मेरे साथ इंसानों जैसा सलूक तो करें सर. तुम्हारे जैसे लोग इंसानी सलूक के मुस्तहिक नहीं हो सकते. मैं माफी चाहता हूँ सर, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो. मेरे पास फजूल बातों का वक्त नहीं है मिस्टर. यू कैन गो. मुझे एहसास हो रहा है सर कि आप मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मजरूह कर रहे हैं जानबूझकर. सेल्फ रिस्पेक्ट खानदानी लोगों की होती है मिस्टर सबर. जो लोग थैला उठाकर दफ्तर दफ्तर फिरते हैं वो इज्जत वाले नहीं होते. गोरे को काले, अरबी को अजमी पर कोई फौकियत नहीं है सर. जो लोग ऐसा समझते हैं हम ऐसा ही समझते हैं. और हमारे मुल्क में इज्जत वाले वही लोग हैं जो साहिब हैसियत हैं, साहिब जायदाद और साहिबान तख्त ताज हैं. हम सिर्फ VIP लोगों की इज्जत करते हैं और साहिबान सर्वत से इर्तिबात रखने के आरजुमंद. समझ गए तुम? मेरे पास तुम जैसे फजूल लोगों के लिए वक्त नहीं है. हुस्ना कोई है? यस सर. इस शख्स को बाहर सड़क तक छोड़ो. हेलो, चलो बाहर, चलो जा. खुदा हाफिज सर. चले चले लो. खुदा हाफिज. अंकल, आपने उसे दोबारा मिलने की कोशिश नहीं करी? मैंने तुम्हें बताया ना बेटा, वो दोबारा मिला ही नहीं. उसने मुनासिब ही नहीं समझा. जी अंकल, जिसके साथ ऐसा सलूक हुआ हो किस तरह दोबारा मिलेगा? ये कोई नई बात तो नहीं है. हम आम तौर पर एक दूसरे के साथ ऐसा ही सलूक करते हैं. ये हमारा कौमी मिजाज है. मगर वो इसे समझा ही नहीं. जब आप अपने घुमंड और तकब्बुर के रवैये को कौमी मिजाज का नाम देते हैं तो फिर इस पर पशिमान होने की वजह? पशिमान होने की वजह? ये जो आप सरवर को ढूंढते फिरते हैं उसकी कोई खास वजह? बताया तो कोई खास वजह नहीं. कोई खास वजह नहीं बेटा, लेकिन अंदर से जूं जूं मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मेरे पुराने तने हुए तार आप से आप टूटने लगे हैं. मैं सर्वर से की हुई गुफ्तगू और उसके साथ अपना सलूक, उसका एक्शन रिप्ले देखकर उसमें मुनासिब तब्दीलियां करना चाहता हूं. एक्शन रिप्ले तो वही रहता है अंकल,
वही माहौल, वही लोग, वही गुफ्तगू, एक्शन रिप्ले में आप किस तरह तब्दीली कर सकते हैं? मैं उसमें से कम से कम अपना किरदार निकाल देना चाहता हूँ उस एक्शन रिप्ले में से। वो तो अब आप नहीं निकाल सकते अंकल, वो तो आपकी जिंदगी तक बल्कि उससे भी आगे इसी तरह चलता रहेगा। मेरे ख्याल में, और मैं समझता हूँ मेरा ख्याल सही है, लेकिन अब क्या हो सकता है बेटा, जब जब हो सकता और हो सकना गिरफ्त से ही निकल गया। मैं समझी नहीं अंकल आप क्या कहना चाहते हैं।